अहाँ सब लोकनिक के नया साल का बहुत बहुत बधाई। हम आशा करै छी कि ई नया साल अहाँ सबके लेल सुख शांति और समृद्धि लऽ कऽ आवे। ई नया साल मे हम सब लोकनिक के किछु नया काम करै के चाही, ताकि लऽ कऽ आइ हम अपन सब लोकनिक के बीच उपस्थित भेलहुँ। एक विषय वस्तु के लऽ कऽ, ओ विषय वस्तु अछि ध्यान। ध्यान के माध्यम से हमरा लोकनिक के जीवन में सांसारिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक उत्थान में केना फायदा होइत अछि, आइ हम ई वस्तु पर चर्चा करै लेल एलौ हन। जे हमरा लोकनिक के सुनै छी या देखै छी, ओ सब श्रोतागण के हमर प्रणाम। हम सब अलग अलग क्षेत्र, राज्य, प्रांत के छी एवं हमर सबक अलग अलग भाषा अछि, परंतु एक समस्या हम सब गोटे में समान अछि, जे अछि विचार। हम सब गोटे के सदिखन विचार कोनो न कोनो रूप में फसल रहै छी। हम सबक मन, बुद्धि कोनो न कोनो विचार के ले लऽ कऽ व्यस्त रहैत अछि। ओ विचार के संबंध हमर परिवार, संतान, धन, उन्नति, रोजगार, शिक्षा वो अन्य तरह के भ सकैत अछि। सत्य तो ई अछि जे हम सब गोटे के सदिखन ई विचार में मानसिक रूप से जकरल रहैत छी। देखै के बात ई छै कि हमरा लोकनिक के विचार बंधन से केना मुक्त भ सकैत छी। किछु लोग भूतकाल यानी पाछू के बात से परेशान रहै छै, तो किछु आबे वाला भविष्य के विचार से परेशान रहै छथि। ई विचार के द्विबंध हमरा सबके कहुना मुक्त नहीं रह दैत अछि। 8 घंटा निद्रा के बावजूद हम सब अपना को ए वैचारिक द्विबंध से मुक्त नहीं कर पावैत छी। विचार नहीं करू, कोनो तो तरीका हेतै जे हमरा सबको ए वैचारिक द्विबंध से मुक्त कर सकैया। अछि ध्यान। ध्यान एक एहन मानसिक स्थिति जे मन के विचारहीन स्थिति तो पहुंचा दै छै एवं वैचारिक द्विबंध से मुक्त करा दैत अछि। ध्यान हम सब को एकटा एहन परिस्थिति पाइब सकै छी जैमे हम विचार को मानसिक द्विबंध से अपना को मुक्त करा सकै छी। ध्यान की अछि? ध्यान एकटा एहन मानसिक अवस्था अछि जाहिमे हमरा लोकनि वर्तमान में विचारहीन अवस्था में रहै छी। किछु लोग एकरा अत्यंत कठिन मानित छथि, जेना कैलाश पर्वत पर सब किछु के त्याग कऽ रहैत अछि, किंतु अतः सहयोग में एहि अवस्था के प्राप्त करनाय अत्यंत सरल एवं सुगम छै। सहयोग एहि ध्यान के अवस्था के प्राप्ति करे के एक सरल मार्ग छे। सहजयोग के निर्माण दूटा शब्द का मिलाकर भेल छे, सहज और योग। सहज अर्थात सरल, योग अर्थात कोनो चीज से जुड़ना। एकटा छोटक सनक आधुनिक उदाहरण सहजयोग का समझे में मदद करे छे। आधुनिक काल में संभवतः हमरा सब के पास फोन अछि। हमर सभक फोन एकटा अदृश्य तरंग से जुड़ैत अछि। एही प्रकारे हमरा सबके एकटा ऊर्जा अछि जैसो हम दिल हमर दिल हृदय धड़कैत अछि, हम सांस लेत अछि, ई सब प्रक्रिया स्वचालित अछि। ई ऊर्जा की अछि जे एही पूरा प्रक्रिया के संचालित करैत अछि? अगर एकटा एहन परिस्थिति बनायल जाए कि एही ऊर्जा संगे हम मानसिक रूप से जुड़ी जाए, तो हमरा लोकनि के योग का प्राप्ति या योग की स्थिति प्राप्ति भ सकैत अछि। प्राचीन काल में अपन सभक पूर्वज वन में वर्षों एकांत में तपस्या कऽ के एही स्थिति का प्राप्त करै छलैथ, जे आइ के व्यस्त जीवन में असंभव छै। आज के व्यस्त
आधुनिक युग में सहयोग सरल ध्यान एवं योग के मार्ग के निर्माण युग पूज्यता परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी द्वारा देल गेल अछि, जे सर्व एवं सरल साध्य अछि। ए ध्यान योग सहयोग की स्थापना 5 मई 1970 में परम पूज्य माता जी द्वारा कयल गेल। वर्तमान में यही योग पद्धति के प्रचार प्रसार एवं अनुसरण विश्व के 150 से बेसी देश में कयल जा रहल अछि। हम मंदिरों में जाते हैं भगवान के दर्शन करने और चाहते हैं कि हमें वो प्राप्त हो। इतना ही नहीं, हमारे अंदर अनेक इच्छाएं होती हैं जो हम सोचते हैं कि परमात्मा परिपूर्ण कर देंगे। ऐसे अनेक कारणों से हम मंदिरों में जाते हैं कि वहाँ का वातावरण हमें शांति दे और समाधान दे। ये बात तो सही है कि ये सब चीज़ें घटित हो सकती और इसीलिए मंदिर बनाए गए, लेकिन इससे भी आगे कुछ जाने का और कुछ पाने का है। और इसका मूल तत्व भी हमारे हिंदू शास्त्रों में लिखा हुआ, लेकिन जब हम कुछ पढ़ते हैं तो उसके अंदर छिपा हुआ अर्थ हम नहीं समझ पाते कभी कभी। अब ये बात है या नहीं, ये हम जो बात कर रहे हैं सच है या नहीं, इसकी भी आपको प्रचिति होनी चाहिए। क्योंकि हम कह रहे हैं इसलिए आपको मान नहीं लेना चाहिए। और इसी वजह से हम सहयोग में जब आते हैं तब ये होता है कि हमारे अंदर बसी हुई ये शक्ति जो त्रिकोणाकार अस्थि में है, जिसको हम कुंडलिनी कहते हैं, ये सारा शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये कोई हम ही कह रहे ऐसी बात नहीं। इसका जब जागरण होता तो वो 6 चक्रों में से गुजर करके 7वां चक्र कुंडलिनी के नीचे होता है श्री गणेश जी का, और 6 चक्रों में से गुजर करके और हमारे ब्रह्मरंध्र को छेदती है जो यहाँ पर सर पे, जिसको अंग्रेजी में फॉन्टेनिल बोन कहते हैं, उसमें से छेद करके चारों तरफ फैली परमात्मा की जो प्रेम शक्ति है, कार्य शक्ति है, जिसे संस्कृत में परम चैतन्य कहते हैं, उससे एकाकारिता प्राप्त करती है। जब यह घटना घटित हो जाती है तब हमारा संबंध उस परम शक्ति के साथ हो जाता है। उससे पहले जो भी हम कर रहे हैं इसलिए कि हम परमात्मा को याद रखें, धर्म को याद रखें, सही रास्ते पर चलें। पर यह सब करने के बाद आगे क्या? कल आपके बच्चे पूछेंगे कि ये सब क्यों करते हो, इससे क्या फायदा है? और इसका फायदा तभी पता चलेगा जब आपकी कुंडलिनी का जागरण हो करके चारों तरफ पहली इस प्रेम शक्ति से एकाकारिता प्राप्त करे। और इसको सहज इसलिए कहा जाता कि ये बिल्कुल ही सहज है। सहज तो आप जानते ही हैं मतलब क्या है, पर इसका और मतलब है विश्लेषण से कि सह माने साथ, ज माने पैदा हो। आपके साथ ही ये योग, जिसमें कहते हैं कि ये हमारा जीवात्मा जो है वो इस शक्ति से जब एकाकारिता प्राप्त करता है, यही असली योग है। ये योग बिल्कुल सहज है और सबके अंदर स्थित है। आप हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो, चाहे आप काले गोरे कुछ भी, ये कुंडलिनी शक्ति सबके अंदर स्थित है, तब हम लोग अलग अलग कैसे कह सकते। अखन वीडियो के द्वारा जिना हम सब कुंडलिनी शक्ति के योग से परिचित भेलहुँ, आप विस्तार से एकरा बारे में जानने की कोशिश करै छी। जब शिशु 2.5 से 3 महीना के अपन माँ के गर्भ में होइत अछि, तखन ओहि में शक्ति प्रवेश करैत अछि एवं शिशु के तालु भाग सब प्रदान प्राण प्रदान करैत अछि। शक्ति के प्रवेश के उपरांत शिशु 3 भाग में रहैत अछि। पहला जकरा हम ईरा नाड़ी कहै छी या बाया नाड़ी भी कह सकै छियै, दोसर जे यह ये पिंगला नाड़ी जकरा हम दाया नाड़ी भी कह सकै छियै, और तेसर जे यह सुषुम्ना नाड़ी एकरा हम मध्य के नाड़ी भी कह सकै छियै।
सहयोग के अनुसार अपन सबके शरीर में सात चक्र होइत अछि। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पहला चक्र मूलाधार से होइत अछि, जे मानव शरीर के विकार निकासी अंग के पास मेरुदंड के नीचे हिस्सा में अवस्थित रहित अछि। द्वितीय चक्र स्वाधिष्ठान चक्र या प्रजनन तंत्र के नियंत्रित करै छथि। तेसर चक्र नाभि चक्र, जे पेट के संबंधित सभी पूर्ण पाचक तंत्र का नियंत्रित करै छथि। चतुर्थ चक्र हृदय चक्र, जे हृदय में स्थित रहै छथि और हृदय का नियंत्रित करै छथि। शिशु जना जना बढ़ल लगैत छै, ओकरा में समझ बुझ एवं तर्क का ज्ञान अबैत आवे लगैत अछि। ताहि से स्वयं अहंकार प्रत्यहंकार का विकास होमे लगैत अछि। जेना जेना व्यक्ति के अहंकार प्रति अहंकार बढ़े लगैत अछि, तेना तेना कुंडलनी शक्ति सुप्त अवस्था में रीढ़ के हड्डी में जाकर बैस जायत अछि। जखन कुंडलनी शक्ति जागृत होइत अछि, तखन हमरा शरीर के सब चक्र के भेदित उद्रगामी रूप से ब्रह्मरंग तालु भाग के भेदित परमात्मा यानी पराम शक्ति से जुड़ जायत अछि। ई प्रक्रिया सब चक्र के शुद्ध करैत अछि। ताहि से व्यक्ति हर तरह के मानसिक एवं शारीरिक व्याधि से मुक्त होइत अछि। अतः ये सातु चक्र का गुण भी व्यक्ति के प्राप्त हुए छे, जे निम्न प्रकार से छे। पहला चक्र जे छे मूलाधार चक्र। पहला चक्र मूलाधार चक्र, जे पवित्रता अबोधिता का प्रदान करे छे। दूसर चक्र से जे हम रचनात्मकता प्रदान करे छे। तेसर चक्र जे छे इस संतुष्टि एवं परम संतोष का प्राप्ति हुई। चौथा चक्र से आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई। पांचवा चक्र से माधुर्य सुंदर वाणी मिठास प्राप्त हुई छे। छठा चक्र से हम माफ करे के शक्ति हमरा अंदर माफ करे के शक्ति प्रदान हुई। सातवा चक्र जे यही चक्र को पुष्पित भेला से व्यक्ति परमात्मा के सर्वव्यापी शक्ति से जुड़ जाय छे। यही स्थिति का योग कहल जाय छे। यही योग के पूर्ण क्रिया कुंडलनी शक्ति व्यक्ति के छठा चक्र पर करे के परम शक्ति से जुड़ैत छे, तो व्यक्ति निर्विचार के अवस्था में आबि जाय छे, जकर चर्चा पूर्व हमरा लोकनी केने छलहुं। एही निर्विचार के अवस्था में व्यक्ति संतुलित अवस्था में रहित छे, अर्थात भूतकाल या भविष्यकाल का विचार से मुक्त निर्विचार के अवस्था की प्राप्ति कुंडलनी शक्ति के जागरण के पश्चात होइत छे। सामान्यतया साधक एही स्थिति में बहुत सुंदर अनुभूति करे छे, जेना कि हाथ की हथेली से शीतल शीतल तरंग का उठनाई एवं झंझनाहट या एक विशेष रूप के स्पंदन के अनुभव होइत छे, जकरा चैतन्य लहरी की संज्ञा देल गेल छे। आओ हम सब लोकनिक का आवाहन करे छी कि एही अद्भुत कुंडलनी जागरण जागृत का प्रक्रिया का साक्षात अनुभव कैल जाए। यही आनंद का प्राप्ति के लिए आधुनिक समय में सिर्फ एकमात्र चीज का आवश्यकता अछि, वो छे योग। योग स्थिति के प्राप्त हेतु शुद्ध इच्छा, ट्रू एंड प्योर डिजायर। वातावरण संभवतः पूर्ण शांत होमय का चाहिए। कुंडलनी जागृत के अवस्था हेतु निम्नलिखित विधि को ध्यान रखबाक आवश्यकता अछि। पहला चप्पल जूता
का बिना आसन ग्रहण करे के छै। दोसर साधक नीचा में बिना कोनो कष्ट का बैठ सके छी तो बैठ जाओ, नहीं तो कुर्सी पर बैठ सके छी। हमरा सब यही कुंडली जागृति आनंद लेवा हेतु एक वीडियो के द्वारा आसन पूर्ण अभ्यास करब। यही अभ्यास के लेल हम सब श्री माता जी द्वारा स्वयं निर्देशित वीडियो के अनुसरण करब, पूर्ण प्रयास को परम आनंद को प्राप्ति करब। कुछ विधि छै, पहला मन का स्थिर के आसन में दोनों आंख बंद करे के अछि, दोनों हाथ घुटना पर खोल के रखे के अछि। सब प्रक्रिया दाया हाथ से करे के अछि तथा बाया हाथ को घुटना पर खोल के रखे के अछि। आगा अब हम वीडियो सब वीडियो के माध्यम से देखे छी। अब आप आंखें बंद कर लें, कोई भी आंख न खोले, आंख बंद कर लें और अपना हाथ हृदय पे रखें। अब एक प्रश्न आप अपने मन में मेरे लिए पूछें, मुझे आप श्री माता जी कहें या चाहे माँ कहें, आप प्रश्न पूछिए। माँ क्या मैं आत्मा हूं, तीन बार प्रश्न पूछे। ये बड़ा मूलभूत प्रश्न है। अब आप ये जान लीजिए कि अगर आप आत्मा हो गए तो आप अपने गुरु भी हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा के प्रकाश में आप अपने ही गुरु हो जाते हैं। इसलिए आप कृपया अपना राइट हैंड पेट के ऊपरी हिस्से में रखें, लेफ्ट हैंड साइड पर उंगलियों से दबा लें इस गुरु तत्व। अब यहां दूसरा प्रश्न मुझसे करें, मां क्या मैं स्वयं का गुरु हूं, मां क्या मैं अपना ही गुरु हूं, क्या मैं अपना ही मास्टर हूं। यह सवाल आप मुझसे तीन बार पूछिए अपने मन में। अब आप अपना राइट हैंड पेट के निचले हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड में रखें और ये जान लीजिए कि मैं आपकी स्वतंत्रता का पूर्ण आदर करती हूं और आप पे मैं जबरदस्ती शुद्ध विद्या लाद नहीं सकती। जो सिद्ध विद्या इस चक्र से आपको पूरा ज्ञान कराएगी परमात्मा की शक्ति का, इसलिए आपको यहां कहना होगा 6 मर्तबा, क्योंकि इस चक्र में 6 पंखुड़ियां हैं। अपने हृदय में आपको मांगना होगा, श्री माता जी मुझे आप शुद्ध विद्या दीजिए।
अब आप अपना हाथ जरा जोर से दबाइए, जैसे ही आप शुद्ध विद्या मांगते हैं वैसे ही कुंडलिनी का जागरण शुरू हो गया, लेकिन उसके लिए ऊपर के जो चक्र हैं, उन्हें हमें खोल देना होगा। आप अपना राइट हैंड आप उठा करके पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट साइड में रखें और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, आत्मविश्वास से ही चक्र खुलेंगे। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आप कहें, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूं, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहिए। दस बार तबा, दस बार कहिए, 10 times। आपसे मैंने पहले ही बताया कि आप आत्मा हैं, आप शरीर बुद्धि मन अहंकारादि उपाधि नहीं, किंतु आप शुद्ध आत्मा हैं। अब अपना राइट हैंड आप हृदय पे रखें और पूर्ण विश्वास के साथ आप 12 मर्तबा कहिए, श्री माता जी मैं शुद्ध आत्मा हूं, श्री माता जी मैं शुद्ध आत्मा हूं। अपनी अपनी भाषा में कहिए, जिस भाषा में कहना चाहे। 12 मर्तबा कहिए। अब एक बात फिर से कहूंगी कि आप दोषी नहीं हैं, आप पापी नहीं हैं, आप अपने को न्यूनता में न उतारें। आप मानव हैं और गौरवशाली हैं। चारों तरफ फैला हुआ परमात्मा का ये प्यार, ये समुद्र है क्षमा का। आप कोई ऐसी गलती नहीं कर सकते कि जो इस समुद्र में पूरी तरह नष्ट ना हो जाए। इसलिए आप अपने ही को क्षमा करें और अपना राइट हैंड, अपना कंधा और अपनी गर्दन इसके बीचों बीच रखें और अपनी गर्दन राइट साइड को पूरी तरह से मोड़ दें। यहां पर आपको 16 मर्तबा कहना होगा, श्री माता जी मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूं, मैं निर्दोष हूं। 16 मर्तबा कहिए, पूर्ण विश्वास के साथ कहिए, मैं कहती हूं कि आप निर्दोष हैं। फिर से यही कहना है कि आप किसी को क्षमा करें या न करें, आप कुछ नहीं करते, पर अगर आप क्षमा नहीं करते हैं तो आप गलत हाथों में खेलते हैं।
इसलिए आप सबको एक साथ क्षमा करें। अपना हाथ राइट हैंड अपने माथे पर अपने कपाल पर आड़ा रखें, दबाएं दोनों साइड में, नीचे गर्दन झुका लें और यहां पर पूर्ण आत्मविश्वास से कहें, श्री माता जी मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दी, मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दिया है। कितने बार कहने की बात नहीं, हृदय से कहना होगा, मां मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दिया। अब राइट हैंड को पीछे ले और अपने सर पीछे की ओर झुका ले। इस जगह अपने समाधान के लिए अपनी गलतियां ना गिनते हुए, अपने को दोषी न ठहराते हुए, अपने ही समाधान के लिए आपको कहना होगा हृदय के साथ, हे परम चैतन्य, हमारे हाथ से अगर कोई गलती हुई हो, जाने अनजाने, तो कृपया माफ कर दीजिए। ये भी हृदय से कहें, कितने बार कहने की बात नहीं। अब आखिरी चक्र बहुत महत्वपूर्ण है। लेफ्ट हैंड हमारे और रखें, दोनों पैर अलग रखें, जो नीचे बैठे हैं वो आराम से बैठे रहें, लेकिन अब अपने हाथ को पसार लें, हथेली को पूरी तरह से खींच लें और उसके बीचों बीच जो जगह है उसको आप बराबर अपने तालू पर, जो कि आपके बचपन में एक बहुत स्निग्ध सी हड्डी थी, उस पर रखें और अपनी गर्दन झुका लें पूरी तरह से। अपनी उंगलियों को पूरी तरह से खींचे बाहर की ओर, इससे पूरा दबाव आपके स्कैल्प पर, आपके सर की चमड़ी पर पड़े। अब ये जान लीजिए कि मैं आपकी स्वतंत्रता को मानती हूं और मैं आप पर आत्म साक्षात्कार लाद नहीं सकती, आपको मांगना होगा। अब कृपया इस हाथ को आप 7 मर्तबा धीरे क्लॉकवाइज, माने घड़ी के कांटे की तरह धीरे धीरे घुमाएं और कहें 7 मर्तबा, श्री माता जी मुझे आप कृपया आत्म साक्षात्कार दीजिए, मुझे आत्मबोध दीजिए, श्री माता जी मुझे आप आत्मबोध दीजिए। 7 मर्तबा कहें। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। अब दोनों हाथ मेरी ओर करें इस तरह से और मेरी ओर देखें और निर्विचार हो जाइए, विचार मत करें। आशा करित छी सब लोकन का
संभवत अद्भुत अनुभूति भ रहल अछि। कृपा करके अपन दाना दाया हाथ का हथेली सिर का तालु भाग से 1-2 इंच ऊपर रख चैतन्य लहरी का अनुभव करू। पुनः बायां हाथ से समान प्रक्रिया दोहराबू दोहराबे का कृपा कैल जाए एवं यही अनुभूति अद्भुत अनुभूति का सहभागी बनल जाए। सब साधक बंधु से आग्रह अच्छी जे यही प्रक्रिया का निर्वाध एवं निरंतर लाभ हेतु पूर्ण कुंडलनी जागरण प्रक्रिया का नित्य प्रातः एवं सायंकाल में 5 से 10 मिनट निकाल कर श्रीमाता जी का समक्ष शुद्ध मन से दोनों हाथ खोल कर नियमित अभ्यास कैल जाए। अधिक जानकारी के लेल सहयोग का वेबसाइट पर सो ल सके छी। वेबसाइट अछि www.sahyoga.org। अगर हमरा से बाजे में कोई त्रुटि भेल तो हमरा को माफ करब। एते देर अहां सब समय निकाल कर सुनलो ओकरा लेल अहां सब को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता जी।